सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया है। मोदी सरनेम मामले में उनकी दोषसिद्धि पर अदालत ने रोक लगा दी। राहुल अब अगला चुनाव लड़ सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता बहाल कर सकते हैं या वो खुद सांसदी बहाल करने की अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला जमानती है, समझौता किया जा सकता है। फिर भी ट्रायल कोर्ट ने राहुल को अधिकतम सजा दी, जिसका औचित्य नहीं था। अधिकतम सजा के कारण वो जन प्रतिनिधित्व कानून के दायरे में आए। सजा सिर्फ एक दिन कम दी जाती तो ये कानून लागू न होता। जज को अधिकतम सजा का कारण बताना चाहिए था। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत दोष सिद्धि से जो अयोग्यता हुई, उससे न सिर्फ राहुल का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि जिन वोटरों ने उन्हें चुना, उनके अधिकार भी प्रभावित हुए। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि राहुल का बयान अच्छा संदेश नहीं देता। सार्वजनिक जीवन में मौजूद लोगों को बयान देते वक्त ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। मोदी सरनेम के संबंध में टिप्पणी पर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। राहुल गांधी को निचली अदालत ने 2 साल की सजा दी थी, जिससे उनकी सांसदी चली गई थी।